इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जैन मुनि का अजीज सलाम पर बड़ा बयान, कहा कि फिर मिलकर काम करेंगे अरशद मदनी के साथ, पहले भी करते थे इज्जत, अब भी मदनी की इज्जत कर रहे हैं, इज्जत और हमेशा आगे भी करते रहेंगे। ये बड़ा बयान दिया है जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि ने। वाजे रहे कल जिस तरीके से इजलास में तनाजा हुआ था, जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि ने यहाँ अरशद मदनी के बयान पर एतराज जताया था और मंच छोड़कर चले गए थे। आज जी सलाम से खास बातचीत में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। जैन मुनि ने जी सलाम पर ये बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि कल भी इज्जत करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, आगे भी वो मंच साझा करते रहेंगे। ये बड़ा बयान उन्होंने जी सलाम के मंच पर दिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। क्या कुछ कहा है लोकेश मुनि जैन धर्मगुरु ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जिन लोगों को रोटियां सेकनी है वो सियासत की रोटियां भी सेक रहे हैं। एक मकसद था लोगों को जोड़ने का, लेकिन फिर से दरारें क्या बढ़ सकती हैं, इसका अंदेशा जाहिर किया जा सकता है क्या? नहीं, लेकिन मैं तो, मेरा अभी भी ध्येय यही रहेगा, हम समाज को जोड़ें। मैं मदनी साहब को भी बड़ी अदब के साथ, बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ, आओ हम सब मिलकर के देश को मजबूत बनाएं, हम अपने समाज में समरसता पैदा करें, उस तरह के काम करें। बाकी जो विवाद की बातें हैं, मान लो 5%, उसको एक तरह नजरअंदाज करके एक साइड में रख दो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम क्लाइमेट चेंज के लिए काम करें, हम ड्रग्स और नशा कैसे खत्म हो उसके लिए काम करें, हमारे युवाओं को तालीम कैसे मिले, अच्छी शिक्षा कैसे मिले, अच्छे संस्कार कैसे मिले, उसके लिए काम करें। वो काम हो, मैं पूरा कंधे से कंधा मिला करके आज भी काम करने को तैयार हूं। मेरे मन में कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं। मैं तो उस समय भी, उस वक्तव्य के बाद जो व्यवहार हुआ उसको भुला चुका हूं, सबको मैं माफ कर चुका हूं, मुझे सभी माफ करे। मेरा इतना ही कहना है, धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। तो ये बड़ा बयान लोकेश मुनि जैन धर्म गुरु है, उन्होंने दिया है। कल इन्हीं के साथ तनाजा हुआ था मंच से, इन्होंने ही नाराजगी जाहिर की थी और आज उन्होंने ये बात वाजे कर दी है कि उनके मन में, उनके दिल में किसी तरह का कोई गुबार नहीं है, वो इन तमाम बातों को भूल चुके हैं, साथ आने का दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं और अरशद मदनी साहब को भी साथ आने की दावा देते हुए वो नजर आए हैं।